हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को कि क्या गिवेन है और क्या नहीं गिवेन है, और फिर उस हिसाब से हम हर चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है क्या है, कंपनी। कंपनी क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे कि कंपनी होता क्या है, फिर कंपनी में जो डिफरेंट चीज़ें गिवेन होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इशू ऑफ शेयर, ये चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमने TS ग्रेवाल की बुक कलेक्ट करी है और फिर एक SK सिंह की बुक होती है जो SBI पब्लिकेशन की, इससे हमने चीज़ें लेने की कोशिश करी है। क्लास 12th की लेक्चर है, ठीक है। बुक 2 आती है इसकी TS ग्रेवाल के अंदर, उसकी बुक 2 से हमने ये चीज़ें सारी कलेक्शन करी है और इस बुक से। चलिए हम लोग समझते हैं, सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी होता क्या है। तो देखिए, कंपनी के बारे में ये कहा जाता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब ये कि कंपनी जिस तरीके से इंसान होते हैं उसके लॉ और कानून होते हैं, जैसे इंसान होता है उसका पर्सन के लॉ कानून होते हैं, ठीक है, इस तरीके से कंपनी के भी लॉ और कानून होते हैं, ठीक है। इसीलिए कंपनी को एक आर्टिफिशियल मतलब बनावटी इंसान कहा जाता है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कंपनी क्या होता है, एक बनावटी इंसान कहा जाता है इसको, ठीक है। अब कंपनी में जो एक चीज़ होती है वो ये होती है कि आखिर एक शेयर कैपिटल टर्म्स का यूज़ किया जाता है। पहले ना इसको हम बहुत बार समझें, कई बार तो होता ही है कि बुक पूरी ख़त्म हो जाती है और बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि शेयर कैपिटल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई कंपनी है तो वो क्या करेगी, आपसे पैसा लेती है। जैसे कि कंपनी बहुत बड़ी होती है तो आपसे क्या लेती है, पैसा, जिसका नाम वो कैपिटल देती है। कैपिटल के लिए पैसा लेती है, कैपिटल किसके लिए, पूंजी के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो आपसे पैसा लेती है। और वो जो पैसा लेती है उसमें जो आपको उस पैसे के लिए प्रॉफिट में हिस्सा देती है, क्या करती है, प्रॉफिट में वो आपको हिस्सा देती है, क्या करती है, हिस्सा देती है। और हिस्सा की इंग्लिश क्या होती है, शेयर, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया शेयर कैपिटल। क्या नाम रखा गया, शेयर कैपिटल। मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट में हिस्सा, जितना आप उसको कैपिटल देंगे उस हिसाब से वो आपको प्रॉफिट में हिस्सा देगी, प्रॉफिट में शेयर देगी, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शेयर कैपिटल, ठीक है। अब क्या बात होती है कि कंपनी के पास ना दो ऑप्शन होते हैं आपसे पैसे लेने के। या तो ये होगा कि कंपनी आपसे जो पैसे लेगी तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि कंपनी कहती है कि आप होल अमाउंट एक ही बार में आप मुझे दे दो। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की कंपनी की ज़रूरत है तो आपको कहा एक बार में 1 लाख रुपए दे दो। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास होता है कि वो आपको ना इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कहता है कि आप इस 1 लाख रुपए को आप मुझे 3, 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट में दे दो। इस इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि जिस इंस्टॉलमेंट का सिस्टम ये बनाती है कंपनी, कि आपको कहती है कि आप ऐसा करो, जब मैं एप्लीकेशन इशू करूं उस वक्त आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उसे कहा जाता है ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा लेना। दूसरा कंपनी का इंस्टॉलमेंट होता है उसको कहा जाता है ऑन अलॉटमेंट, मतलब जिस वक्त हम आपको शेयर देंगे उस टाइम आप, मतलब ऑन एप्लीकेशन का मतलब फॉर्म भरने टाइम, किस टाइम, जब आप फॉर्म भरिए कि हमें इतना शेयर आपकी कंपनी का चाहिए उस टाइम आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, नहीं लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो, जिस टाइम हम आपको कंपनी जब हमें शेयर अलॉट करती है, देती है, ठीक है, तो उस टाइम हमें कुछ पैसे उसको देने पड़ते हैं। एक तो शुरू में हमने दे दिया और ये कहलाता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये कहलाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगला होता है कॉल। कॉल का मतलब ये होता है कि जब वो आपको मांगेगा, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ तक तो दे दिया, तीसरा इंस्टॉलमेंट वो आपसे मांगेगा। अब कॉल में क्या होता है कि दो बार में ही वो मांगते हैं कि आप ऐसा करो, कॉल वन, पहली बार मैं कॉल करूँ तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो, फिर दूसरी बार मैं मांगूँ तो कुछ पैसे आप मुझे दे दो। तो उसे कहा जाता है कॉल वन और कॉल टू, इसको फर्स्ट और फाइनल कॉल ही बोलते हैं। अगर एक ही बार में क्लियर हो गया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर कॉल फर्स्ट और सेकेंड दो कॉल हुआ है तो फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल कहा जाता है। कॉल का मतलब ये होता है कि आपको फ़ोन कॉल नहीं करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, फ़ोन कॉल कर सकता है, मेल कर सकता है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें कर सकता है, या फिर आपको बोलेगा कि आप मुझे पैसे दीजिए। तो ये तीन इंस्टॉलमेंट में वो क्या करती है, कंपनी पैसे लेने का आपसे काम करती है। अब बात ये आती है कि जब आपसे तीन इंस्टॉलमेंट में पैसे लेगी
तो एक चीज़ ये होती है कि तीन इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा लिया, अब कंपनी के पास रिक्वायरमेंट बात की होती है कि तीन इंस्टॉलमेंट पैसा लेंगे तो किस किस तरीके से हम चीज़ों को इसके अंदर सोचने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसको समझेंगे कि कैसे कंपनी सोचती है चीज़ों के बारे में। अब देखिए कंपनी क्या करती है, इंट्री पास करती है इसी के इंस्टॉलमेंट की। ये क्या करती है, जो आपसे इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया उसके लिए कंपनी क्या करती है, इंट्री पास करती है। इंट्री किस तरीके से पास करती है, ये कहती है ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन आप हमें पैसा देंगे। एप्लीकेशन पे आपने क्या किया, पैसा दिया, तो ये इंट्री पास करती है, ठीक है। तो इंट्री के लिए हम लोग को सबसे पहले कानून पता होने चाहिए इंट्री के। याद है हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि अगर एसेट्स बढ़ता है, एसेट्स अगर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और एसेट्स घटता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। फिर दूसरी कानून हमने पढ़ा था क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और घटती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ है जो जनरली, और तीसरा क्या था, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिटेड। ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपको डेबिट करना है और ऑल इनकम और गेन को आपको क्रेडिट करना है। इनकम या गेन होगा तो उसको आपको क्रेडिट करना है। ये चीज़ें हैं जो इसी के बेसिस, कई बार तो होता है बच्चे समझ पाते कि नहीं ये तो 12th की एंट्री है, ये तो अलग तरीके से होगा। नहीं, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करूँगा कि ये भी इसी लॉ पर बेस है, ठीक है। अब जब एप्लीकेशन के पास कंपनी क्या करती है, कंपनी रिसीव अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन के वक्त पैसा लेती है अगर आपसे, कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन के वक्त अगर आपसे पैसा लेती है, ठीक है, तो वो अपने यहाँ एंट्री करेगी दो। पहली एंट्री करती है, उसको कहा जाता है बैंक, लिखिएगा आप लोग इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री करती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, इस अब ये एंट्री क्यों हुई, क्योंकि बैंक के कंपनी के पास पैसा आया और बैंक से लिया। बंदे कंपनी क्या करती है कि आपको ये नहीं कहती आप कैश में आकर के पैसे दो, तो बैंक में आप मुझे जमा करा दो, तो बैंक हमारा बढ़ गया। बैंक क्या होता है, एसेट्स होता है, याद है 11th में पढ़ा था हमने, बैंक क्या है, एसेट्स है, क्योंकि हमारे पास पैसा रखा हुआ है तो एसेट्स है, तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा। तो बैंक बढ़ता है मतलब क्या होगा, बैंक हमारा बढ़ गया तो मतलब एसेट्स बढ़ गया, और एसेट्स बढ़ा तो हम क्या करते हैं, डेबिट, तो इसीलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं। दूसरी तरफ के शेयर एप्लीकेशन में हम पैसा डालते हैं, ये एप्लीकेशन का पैसा जब तक हम कैपिटल में नहीं डालेंगे, हमने पैसा क्यों लिया, कैपिटल के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन, अब कैपिटल के लिए पैसा लिया है तो ये हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी, पूंजी। कैपिटल के लिए कोई पैसा लेंगे तो बिजनेस में कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होती है, 11th में पढ़ा था हमने। तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसीलिए हमने एप्लीकेशन को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट, और फिर इसी पैसे को हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगली एंट्री क्या करती है कंपनी कि शेयर एप्लीकेशन, मतलब जो हमने एप्लीकेशन में पैसा डाला था अब उसको डेबिट ख़त्म करना, पहले क्रेडिट किया था अब उसको ख़त्म करके इस पैसे को क्या करती है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि लिया था शेयर कैपिटल के लिए, तो कैपिटल हमारे लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, इसको क्रेडिट कर दिया। ये वही वाली बात है, ठीक है। उसके बाद अगली बात होती है कि ऑन, अब दूसरा इंस्टॉलमेंट लेगी ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे इसने पैसा लिया। अलॉटमेंट पे क्या होता है कि कंपनी पहले क्या पता लगाती है कि सामने वाले के यहाँ बाकी कितना है, ड्यू कितना है, तो सबसे पहले वो ड्यू की एंट्री करती है। आप खुद सोचिए कि अगर किसी से आपको पैसे लेने हैं तो पहले क्या पता करेंगे कि भाई सामने वाले के यहाँ बाकी कितना है, और बाकी के हिसाब से आप जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इतना बाकी है तो इतने पैसे आपको लेने हैं। तो इसीलिए कंपनी भी क्या करती है, पहले ये पता लगाती है कि बाकी कितना है, तो ड्यू की एंट्री करती है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि मतलब रिसीव होना, मतलब ये बात है कि रिसीव होना कितना बाकी है, क्या पता लगाती है, रिसीव होना कितना बाकी है, इस बात का पता लगाती है। तो रिसीव होना कितना बाकी है, तो ये आपका इसका मतलब क्या होगा, रिसीव होना बाकी जैसे हुआ तो ये क्या होगा आपके लिए, रिसीवेबल क्या होता है आपके लिए, एसेट्स होता है, याद है एसेट्स होता है, क्योंकि हमारा पैसा उसके यहाँ रखा हुआ है, आज न कल वो हमें देगा, तो एसेट्स बढ़ा तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास एंट्री जो बनकर के आती है
वो हम लोग सबसे पहले ड्यू की एंट्री करते हैं। तो लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री, हमें पता लगाना है मांगा कितना। तो अब क्या होगा कि रिसीव होना बाकी है, कौन सा पैसा, अलॉटमेंट का पैसा है। तो जैसे रिसीव होना बाकी है हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स, और एसेट्स बढ़ा तो हमने डेबिट कर दिया, इसीलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ठीक है, फिर कंपनी क्या करती है, पैसे रिसीव कर लेती है। फिर क्या करती है कंपनी, मैं इस एंट्री को यहाँ कर रहा हूँ, पैसे कंपनी क्या करती है, रिसीव कर लेती है। तो अगर रिसीव करेगी तो हमारे पास एंट्री क्या निकल के आती है, बी वाली, बी पार्ट जो एंट्री होगी, बी पार्ट वो ये होती है बैंक, आप अकॉर्डिंगली नोट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट को क्रिएट क्यों किया, क्योंकि ये पैसा हमें मिल गया तो रिसीवेबल ख़त्म हो गया ना, तो इसीलिए रिसीवेबल पहले डेबिट किया था हमने, इसको हम फिर क्रिएट करके इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और बैंक में पैसा हमें मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब लिखेंगे ऑन रिसीव, रिसीव के वक्त कंपनी ये एंट्री करती है। ठीक है, उसके बाद अगला इंस्टॉलमेंट हमने क्या पढ़ा था, अगला इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या था, वो ये कि कंपनी क्या करती है, पैसे लेने का काम करती है। अब कंपनी पैसे लेगी कैसे, सोचिए ज़रा एक बार। अब अगला इंस्टॉलमेंट क्या था, ऑन कॉल, कॉल पे पैसा लेना। तो आप खुद सोच के देखिए, कॉल पे पैसा अगर कंपनी लेगी, सेम यहाँ पे देंगे, सबसे पहले कंपनी पता लगती है कितना पैसा बाकी रह गया है सामने वाले के यहाँ, फिर वो ड्यू की एंट्री करती है, मतलब रिसीवेबल की, रिसीव होना कितना बाकी है। देखिए मैं आपको एंट्री इसलिए बार बार समझा रहा हूँ कि कई बार लोगों को लगता है कि ये ऐसी याद कर जाते हैं, क्योंकि एंट्रीज की आसान है, याद ही कर जाते हैं, लेकिन आगे आपको प्रॉब्लम होगी, कितनी सारी एंट्रीज हो जाएगी कि आप कन्फ्यूज़ होंगे, इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी क्या करती है, ए पहली एंट्री क्या कर देगी, रिसीवेबल की, रिसीव होना बाकी है, एसेट्स है, ठीक है, इसका मतलब डेबिट करना है क्या, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले ये ड्यू एंट्री, रिसीव होना कॉल पे कितना पैसा बाकी है इसकी पता लगाती है, रिसीव होना जैसे बाकी है तो एसेट्स हो गया, हमने इसको डेबिट कर दिया, और कैपिटल को रेट, क्योंकि कैपिटल के ले रहे हैं, लाइबिलिटी है। अब क्या होगा, ये पैसा, ये वाला जो पैसा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, और बैंक में पैसा आ गया, असेट्स बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। कॉल में अगर कॉल वन होगा, कॉल टू होगा, तो हम जैसे यहाँ पे ऑन कॉल लिखे ना, तो ऑल कॉल वन कर देंगे, फिर सेम एंट्री होगी ऑन कॉल टू की। ठीक है, ऑन कॉल टू की, तो आपको इस तरीके से सोचना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर ये नहीं समझ में आई तो फिर से आप री करके वीडियो को देखिए, कि ताकि आप पहले इस बात को समझ सके। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है, अब कंपनी इशू कैसे करती है शेयर, तो आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, होता क्या है कि कंपनी, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कंपनी इशू शेयर, इशू शेयर मान लीजिए दस हज़ार का शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर ₹10 का है और टोटल शेयर है 10,000 शेयर, ये ध्यान दीजिएगा, एक शेयर का रेट होता है ₹10 लिखा हुआ है, और टोटल ये रुपीज़ नहीं है, ये नंबर ऑफ़ शेयर, ये क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर आप लिख लेंगे समझने के लिए, नंबर ऑफ़ शेयर, और ये क्या है 10,000, मतलब एक शेयर का रेट है ₹10 है, 10,000 शेयर इशू किया। ठीक है, अब कंपनी पूरा पैसा एक ही बार में नहीं ले रही है, बल्कि कंपनी क्या करती है, कहती है कि आप मुझे ऑन अप्लीकेशन आप मुझे ₹5 देंगे, मतलब इस 10 के बदले, जब ये 5 लिखा रहेगा मतलब ये ₹5 इस 10 में से आपको मांग रही है। ठीक है, फिर कहती है ऑन अलॉटमेंट आप हमें दे दीजिए ₹3, तो 5 × 8 हो गया, 10 पूरा करना है, तो आप कहती है कंपनी की बैलेंस ऑन कॉल, या फिर कॉल का अमाउंट ही दे दे, तो ₹2 हो गए कि आप कॉल पे लेंगे। ये किस में से है, ये सब ₹10 में से है, ये सब किस में से है, ₹10 में से, इस बात को आपको समझना है, मतलब 10,000 × 5 वो एप्लीकेशन पे देगा, 10,000 × 3 इस पे देगा अलॉटमेंट पे, और 10,000 × 2 कॉल पे देगा, तो आपको अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके से एंट्री करनी है।
तो आपको क्या करना है, ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे एंट्री, वही बात, पहले आप पैसा मिलेगा एप्लीकेशन पे, पहले पैसा मिलता है ना हमें, तभी तो पता चलता है कितना एप्लीकेशन मिला। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या करें एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितना डालेंगे हम, 10,000 इंटू 5, यहाँ भी सेम अमाउंट आएगा। फिर हम क्या करेंगे, बी पार्ट, अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट यहाँ भी आएगा, कितना पैसा हमें मिल गया, 10,000 इंटू 5, सेम अमाउंट यहाँ डाल देंगे हम, कितना पैसा हमें मिल गया, हमने इसको ट्रांसफ़र भी कर दिया। अब से अगली बात होगी कि ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमारे पास गिवन है, तो हम वही एंट्री करेंगे, क्या सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नहीं सॉरी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ड्यू की एंट्री रिसीवेबल है, रिसीव होना बाकी था इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, तो ये डेबिट हो गया। अब अमाउंट कितना जाएगा, अलॉटमेंट में 3 है तो हम कितना डालेंगे, 10,000 इंटू ये वाला 3, तो इंटू 3, सेम अमाउंट क्रेडिट पे भी जाएगा। फिर इसकी बी की एंट्री हो जाएगी, क्या रिसीव की, हमने मांगा उसने हमें दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पहले हमने अलॉटमेंट को डेबिट किया था क्योंकि रिसीवेबल था, अब वो रिसीव हो गया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रिसीव हो चुका है, ख़त्म कर देंगे, एसेट्स हमारा कम हो जाएगा वो वाला, दूसरा तरफ हमारा बैंक बढ़ जाएगा दूसरा एसेट्स, सेम अमाउंट यहाँ भी जाएगा, 10,000 इंटू 3 और 10,000 इंटू 3, ये दो बातें किसकी हो जाएंगी, ऑन अलॉटमेंट की। अब हम क्या करेंगे, अगली एंट्री किसी कर देंगे, ऑन कॉल, देखिए हम लोग ऑन कॉल की एंट्री, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके और फिर आपके सामने हम ऑन कॉल की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑन कॉल की एंट्री कैसे करेंगे, तो समझिए इसको, आसान सी बात है, ऑन कॉल की एंट्री हमने क्या पढ़ा था, ऑन कॉल, तो ऑन कॉल में क्या है, सेम काम, ड्यू की एंट्री करेंगे, सबसे पहले रिसीव होना बाकी है ये पता लगाएंगे, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना जाएगा, 2 है तो 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2, ठीक है। अब इसकी बी पार्ट, फिर हमें ये पैसा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल को हमने डेबिट किया था, क्यों, क्योंकि रिसीवेबल था, वो पैसा हमें मिल गया तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, तो शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितना, इतना पैसा जो हमें मिल गया, 10,000 इंटू 2 और 10,000 इंटू 2, ये पैसा हमें मिल गया, हमने इसी एंट्री को कर दिया, ठीक है। तो ये बातें थी सिंपल, जब आपके पास सिंपल क्वेश्चन होंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, जो कि आपको समझने के लिए, ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं।